Good morning, student. Welcome to AVN online classes. I am Dhiraj, your account teacher. Today we'll be discuss most important topics in chapter 3, journal. Like first of all, journal ko discuss karne se pehle hum kuch notes isse related banayenge jo hame journal mein kafi help karne wale hain. और रूल्स एंड रेगुलेशन जब तक नहीं पता जब तक हम कुछ भी चीजें सीखेंगे तो ऐसे लगेगा कैसे हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है सभी चीजें एक साथ नहीं समझाई जा सकती. लेकिन रूल्स समझा दिया, उसके कुछ एग्जांपल करवा दिए, इट मींस आप उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल आपने समझे और उसको अकॉर्डिंग कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर है, तैयार है. इसलिए हमारा सबसे मेन मोटिव यही रहता है कि बच्चा अपनी नॉलेज गेन करे, ना कि एक होमवर्क करे. तो उसके लिए हम कुछ नोट्स करवाएंगे, तो मैं काफी धीरे धीरे बोलता रहूंगा, आपको उसको राइट डाउन करते रहना है. बाय द वे, आपके राइट डाउन नहीं हो पाए तो इस वीडियो को वापस से आराम से केयरफुली सुने और राइट डाउन कर ले अपने सारे नोट्स, ठीक है. तो जो टॉपिक वाइज मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा और आपको मैं बोलता जाऊंगा. तो आज हमारा टॉपिक है सम अकाउंटिंग वाउचर्स. तो कुछ हम अकाउंटिंग वाउचर्स सीखते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर्स होते कौन कौन से हैं, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन जब भी करते हैं तो उसका एविडेंस जरूर होता है, और वो एविडेंस क्या कहलाता है, वाउचर. तो लिखो सम अकाउंटिंग वाउचर, एक टॉपिक लिख लो सम अकाउंटिंग वाउचर्स. सम अकाउंटिंग वाउचर्स कौन कौन से वाउचर्स हो सकते हैं, नाम लिखो. पॉइंट नंबर फर्स्ट, कैश मेमो, MEMO मेमो, कैश मेमो. इनवॉइस, ENVOICE इनवॉइस. रिसिप्ट, RECEIPT रिसिप्ट. नंबर फोर, पे इन स्लिप, PAY पे डैश इन INN डैश स्लिप SLIP पे इन स्लिप डैश यानी पे इन स्लिप डेप्ट नॉट DEBT डेप्ट नॉट. और क्रेडिट नॉट, क्रेडिट नॉट, ये कुछ वाउचर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके ट्रांजेक्शन की एविडेंस है. किसमें कौन सा वाउचर्स कैसे होता है डिस्क्राइब कर रहा हूं, सुनना अच्छे से. कैश मेमो, जब हम बिजनेस में कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो अगले से कुछ लिया और उसको कैश पेमेंट कर दिया और एक रसीद ली. कैश पेमेंट करने का रसीद तो हमें मिलेगा, उसे कहते हैं कैश मेमो. उसे क्या कहते हैं, कैश मेमो. उस रसीद का नाम है कैश मेमो. आप कहोगे मैंने कुछ लिया और पेमेंट कर दिया, देखो मेरे पास रसीद, कैश मेमो. नेक्स्ट है इनवॉइस. जब आप किसी को गुड्स को क्रेडिट में परचेज सेल करते हो तो किस क्वांटिटी में दिया, उसकी क्या रेट लगाई है, सब कुछ एक स्लिप तो बना के देनी होगी. अब वो स्लिप क्या कहलाएगा, इनवॉइस कहलाएगा. स्लिप ही कैश मेमो है, स्लिप ही इनवॉइस है, बात है. अगर कैश मेमो है तो उसको देखते ही पता चलेगा कि हाँ ये तो पेमेंट हुआ है. इनवॉइस है इसका मतलब पेमेंट नहीं हुआ है, सेल तो हुआ है, परचेज तो हुआ है, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ. इनवॉइस नंबर यानी क्रेडिट के टाइम जो स्लिप लिखी जाएगी, उस स्लिप का नंबर क्या होगा, उस स्लिप का नाम क्या होगा, इनवॉइस. उस डॉक्यूमेंट का, उस वाउचर का नाम होगा इनवॉइस. नेक्स्ट है रिसिप्ट. अब आपने क्रेडिट परचेज या सेल तो कर दिया, इन फ्यूचर उसका पेमेंट आप करोगे, उसका पेमेंट करोगे तो आपको क्या चाहिए, रिसिप्ट चाहिए. तो वो जो रसीद मिलेगी वो रिसिप्ट होगी, उसे क्या कहते हैं, रिसिप्ट. उसको क्या बोला जाएगा, रिसिप्ट. नेक्स्ट है पे इन स्लिप. नॉर्मली हम, आप अगर बैंक में गए हो तो एक स्लिप भरी जाती है, जब बैंक में आप डिपॉजिट करवाते हो तो एक स्लिप सी भरी जाती है.
ऐसे एक छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट, उसमें आपका नाम है, डेट है, कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करवा रहे हो, सिग्नेचर है, ये सब करके वो स्लिप पैसे के साथ आप जमा करवा देते हो। और जैसे डिपॉजिट करवाते हो अकाउंट में, जहां जिस बॉक्स में जो कैशियर है वो आपको उस स्लिप को अमाउंट को मैच करना है, और आपको अपना एक सील लगाकर यहां से कटिंग करके ये पार्ट आपको देते हो, ताकि आपके पास ये रहे कि हाँ मैंने इतना रुपए बैंक में डिपॉजिट करा। एक अपने पास रख लेता है कि हाँ मैंने इस अकाउंट में इतने रुपए जमा किए हैं, तो दोनों के पास एक एविडेंस आता है। तो बैंक में जब ट्रांजेक्शन में हम डिपॉजिट करवाते हैं तो वो उसका उस स्लिप का नाम क्या होता है, पे इन स्लिप, पे इन स्लिप। नेक्स्ट है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। यदि बाय द वे हमने जिससे ट्रांजेक्शन किए हैं, जिस पर्सन से हमने ट्रांजेक्शन किए हैं उसे डेबिट करना है तो हम डेबिट नोट लिखते हैं, अगर उसको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट नोट लिखते हैं। ये सब कहाँ समझ में आएंगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट जब आप आगे जब क्वेश्चन पढ़ोगे सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न उनमें काम आते हैं, वहाँ मैं सिखाऊंगा डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे लिखते हैं। याद रखना डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इससे रिलेटेड है, जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं, गुड्स को क्या करते हैं रिटर्न, परचेज किए हुए तो रिटर्न होता है या सेल किया हुआ रिटर्न आ जाता है, परचेज किया हमने रिटर्न कर सकते हैं, सेल किया अगला रिटर्न कर सकता है, क्यों रिटर्न करेगा कैसे करेगा वो सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे जब वो टॉपिक आएगा। लेकिन जब रिटर्न्स होते हैं, गुड्स का रिटर्न होता है तो डेबिट और क्रेडिट नोट लिखे जाते हैं। तो ये आपके सब अकाउंटिंग वाउचर्स हो गए जिसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया, पहला कैश मेमो कैसे रिलेटेड, इनवॉइस क्रेडिट से रिलेटेड, रिसिप्ट जब पेमेंट हो जाए तो पेमेंट से रिलेटेड, पे इन स्लिप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट हो, डेबिट नोट क्रेडिट नोट जब गुड्स का रिटर्न हो, परचेज रिटर्न हो या सेल्स रिटर्न हो। ओके तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, सम अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स के बाद में हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है क्या? सुनो, हम जब भी किसी ट्रांजेक्शन को बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं हमेशा याद रखना हर ट्रांजेक्शन में कम से कम कितने साइड होते हैं, टू साइडेड ट्रांजेक्शन, कभी भी वन साइडेड ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि किसी ट्रांजेक्शन में सिर्फ एक ही साइड हो, कभी भी नहीं होता, यानी हर ट्रांजेक्शन कितने साइडेड होता है, टू साइडेड। जबकि अगर वन साइडेड मानोगे तो अकाउंटिंग क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आपके जो रूल एंड रेगुलेशन है, अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर आप बुक्स को मेंटेन करते हो तो वो कौन से रूल्स के मेंटेन होंगे, तो उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। उसका नाम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स है हर ट्रांजेक्शन में कितने साइड होंगे, टू साइड होंगे, कितने साइड होंगे, टू साइड। अब इसमें कुछ लिख लो, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करता हूँ और अच्छे से लिखो। अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लगा के इसी को इनको लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स at least two accounts in opposite direction one of them dr and other is cr। जो double entry system में आपके
दो साइड होंगे वो क्या होंगे, डेबिट और क्रेडिट, एक डीआर और एक सीआर, यानी हर ट्रांजेक्शन दो साइड इफेक्ट मारेगा और दोनों साइड क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। आप बोलोगे कैसे सर डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है, बिल्कुल समझाएंगे, देखना होगा क्या। जैसे हमने आपको गुड्स सेल किया तो मेरे से गुड्स जा रहा है आपके पास, गुड आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है ना, एक तो जा रहा है एक के पास से आ रहा है। आपने मुझे पेमेंट किया, आपसे पैसा जा रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, अपोजिट काम हो रहा है, एक के पास आ रहा है और एक के पास जा रहा है। यानी हर ट्रांजेक्शन में आपके कितने अकाउंट इफेक्ट मारेगा, टू साइड इफेक्ट मारेगा और दोनों साइड जो इफेक्ट मारेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मारेगा और अपोजिट डायरेक्शन वो दो साइड है कौन सी, डेबिट और क्रेडिट। इसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसे क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। आया समझ में? इसी में थोड़ा सा लिखना चाहो तो थोड़ा सा लिख लो, जो इन फ्यूचर आपके काम आएगा जब भी कभी कंपटीशन एग्जाम होगी। लाइन चेंज करके लिखना, ए बुक ऑफ द, ए बुक ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन इन 1494 by Lucas Pacioli. Lucas Pacioli, a residence of the city of Venice in इटली एक देश है ना, इटली। तो याद रखना जो डबल एंट्री सिस्टम जिसको हम मानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, आपका पूरा अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम पे ही बनता है, क्योंकि आपका जो इनकम डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो डबल एंट्री सिस्टम को मानता है। और हमने अकाउंट मेंटेन क्यों करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए अकाउंटिंग मेंटेन करना है तो उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करना, और वो किसको फॉलो करता है, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बताया अभी कि डबल एंट्री सिस्टम हर ट्रांजेक्शन को दो साइड से इफेक्ट मारेगा और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, जिसको शॉर्ट में डीआर और सीआर बोलते हैं, डेबिट क्रेडिट, डीईबीआईटी डेबिट, सीआरईबीआईटी क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डीआरसीआर। मैं इसको शॉर्ट में डीआरसीआर होता है और जब भी बोला क्या जाता है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब ये जो सिस्टम है, ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये बनाया किसने, तो ये बुक जो डबल एंट्री सिस्टम की है वो किसके द्वारा लिखी गई है, याद रखना, लुकास पेसियोली द्वारा। लुकास पेसियोली ने इसको रिटर्न लिखा, कब लिखा, 1494 में। कहां के थे ये, वेनिस शहर में रहते थे, जो कहां है, इटली में है, वेनिस शहर में रहते थे, इटली के अंदर है वो शहर, और इटली में थे तो कौन सी उसको लैंग्वेज में लिखा होगा, इटालियन, कौन सी लैंग्वेज में लिखा, इटालियन। तो काफी से इससे क्वेश्चन तैयार हुए कि डबल एंट्री सिस्टम को बनाने वाला कौन है, लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली कहां के थे, वेनिस सिटी के। ये वेनिस सिटी कहां है, इटली में। उन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा, इटालियन में लिखा, क्योंकि इटली के थे तो इटालियन में लिख दिया इन्होंने। कौन सी ईयर में लिखा, 1494 में डबल एंट्री सिस्टम बना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें इतना काफी है आपके लिए डबल एंट्री सिस्टम के पहचानने के लिए। बात है इसको इंग्लिश में किसने कन्वर्ट किया, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको इंग्लिश में किसने कन्वर्ट किया, हुज ऑल केसिल ने, लिख लो ये टाइम में लिख लो। आफ्टरवर्ड्स, इसको भी लिख लो, आफ्टरवर्ड्स द बुक्स वाज translated into English by whose old Cassin,
और कैसे इन 1544 ईयर्स में, ठीक है। जैसे डब्ल्यूएनजी सिस्टम को बनाया तो लोग दुदास थे, कब बनाया 1494 में, इटालियन इसकी लैंग्वेज थी, इटालियन लैंग्वेज इटालियन लोग भी समझ सकते थे, तो सभी के लिए इसको अच्छे से समझ में आया, भी अच्छी थी एकदम, रूल्स एंड रेगुलेशन पे थी। तो हुज ओल्ड कैसल ने 1544 पर इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश में, और आज हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं इसको। हम किसमें पढ़ते हैं, इंग्लिश में। ऑल ओवर वर्ल्ड आपके ट्रांजेक्शन जो है वो इंग्लिश में क्रिएट होते हैं। आप जनरली आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जिसको कहते हैं भारतीय बही खाता। कई बार पुरानी फिल्मों में देखा होगा, एक वो बही सी रखता है अपने नाक में दबा के, वो हिंदी में भी लिख सकता है, उर्दू में भी लिख सकता है, मारवाड़ी में लिख सकता है, बंगाली में, आसामीज में, किसी में भी, वो भारतीय बही खाता। एक्चुअल में वो भी किस नियम पर, डबल इंट्री सिस्टम पर ही है, लेकिन आजकल इंग्लिश में लिखते हैं, सभी इंग्लिश में मेंटेन करते हैं कि वो लैंग्वेज ऑल ओवर वर्ल्ड लैंग्वेज है। ऑल ओवर वर्ल्ड लैंग्वेज है, यानी यहाँ के अकाउंट चाहे भारत, देखो भारत के अकाउंट हम चेक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड इंग्लिश चलता है, इसलिए उसको हुज ओल्ड कैसल भी इंग्लिश में करना है। तो ये एक प्रकार से इसका क्या हो गया, इसका आपका जो कहते हैं ना इंट्रोडक्शन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आया, डबल एंट्री सिस्टम का इंट्रोडक्शन, मीनिंग बता दिया क्या होता है, कैसे आया, कैसे कन्वर्ट हुआ, वो सब कुछ बता दिया आपको। नेक्स्ट टॉपिक डालो, इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब अकाउंट जो है, हर ट्रांजेक्शन जो आपके होते हैं वो टू साइडेड होते हैं, एक डीआर साइड एक सीआर साइड, यानी डीआर अकाउंट सीआर अकाउंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आपको नॉर्मली जितने भी ट्रांजेक्शन है जिसमें अकाउंट इफेक्ट मारते हैं, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, देखो मैंने बताया था अकाउंटिंग क्वेश्चन में, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट कैपिटल अकाउंट, ये सारे जो अकाउंट है वो आपके सारे अकाउंट को सिर्फ कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, टू टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट हो सकता है या इम्पर्सनल अकाउंट हो सकता है। इम्पर्सनल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट और नॉमिनल। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो कितने अकाउंट होते हैं, थ्री अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। तो आपके दो अकाउंट हो गए, एक तो पर्सनल और एक इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में दो अकाउंट हो गए, एक तो रियल और एक क्या हो गया नॉमिनल। अब ऐसे आपके कितने अकाउंट हो गए, तीन अकाउंट हो गए, पर्सनल रियल और नॉमिनल। क्लियर है, तीन अकाउंट हो गए, पर्सनल रियल और नॉमिनल। इसको चाहिए तो कितने अकाउंट में बांट सकते हैं, दो अकाउंट में, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल में भी डिवाइड किया जा सकता है, पर्सनल इम्पर्सनल रियल और नॉमिनल। अब इस अकाउंट्स में आपको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जितने भी अकाउंट मैंने आज तक लिखाए हैं वो इन तीन में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को आप बना लो,
इस फॉर्मेट को बना लो आप। पर्सनल इन पर्सनल रियल और नॉमिनल बना लिया। यस सर। चलो अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसको। नंबर फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज इक्वल टू डाल के लिखो, इज इक्वल टू डाल के लिखना द अकाउंट विच रिलेटेड टू, द अकाउंट विच रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, फर्म, कंपनी और एन कंपनी और एन इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, आर पर्सनल अकाउंट। एक सेकेंड। पर्सनल अकाउंट में लिखा दिया था आपको द अकाउंट विच रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल पर्सन, कंपनी और इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। अब इस पर्सनल अकाउंट में क्या-क्या चीजें होंगी वो बता। तो पर्सनल अकाउंट में ये सब चीजें आ जाएंगी। अब जाओ तो उसमें आप अब कौन कौन से फोर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसमें, फोर एग्जाम्पल डाल दो। फोर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आएंगे, कोई भी नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन यानी राम श्याम कुछ भी नेम ऑफ पर्सन। नेक्स्ट कोई भी इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक, ट्रस्ट, नेक्स्ट आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑनर को। कौन रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल ड्राविंग्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ड्राविंग्स। नेक्स्ट जितने भी आपके ऐसे एक्सपेंसेस है जिसको आप करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन उसको पे नहीं किया, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, unearned income, unearned income। तो इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल इसके हैं पर्सनल के। पर्सनल अकाउंट्स में ये सारे एग्जाम्पल हैं जो किससे रिलेटेड हैं, जो इसके अंदर पर्सनल में आते हैं। इसका रूल्स लिख लो, इसका रूल्स क्या होगा, रूल्स क्या होगा, तो रूल्स लिखो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये इसका रूल्स है, इन रूल्स को याद रखना। तो इसी को अकाउंट का गोल्डन रूल्स बोलते हैं। मैं तीन रूल्स लिखाऊंगा, पर्सनल के अलग, रियल का अलग, नॉमिनल का अलग। तो पर्सनल का रूल क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये आपका पर्सनल अकाउंट का रूल है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नंबर सेकंड, रियल अकाउंट। जो किसके अंदर आता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट, तो रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में लिखो इज इक्वल टू लगा के
द अकाउंट ऑफ ऑल थिंग्स हू वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच आर द ओनर ऑफ द बिजनेस आर ट्रिम्ड एज रियल अकाउंट ट्रिम्ड एज रियल अकाउंट यानी जो भी थिंग्स हैं वो सारी थिंग्स किसके अंतर्गत आती हैं रियल अकाउंट में जिसकी एक वैल्यू होनी चाहिए मेजरमेंट किसमें होना चाहिए पैसे में होना चाहिए और बिजनेस की उस पर क्या होनी चाहिए ऑनरशिप फॉर एग्जाम्पल रियल अकाउंट में क्या क्या आ सकते हैं जैसे कैश फर्नीचर बिल्डिंग प्लांट एक्सेट्रा कैश फर्नीचर बिल्डिंग प्लांट एक्सेट्रा ये सारे के सारे किसमें आएंगे रियल अकाउंट में आएंगे ठीक है नेक्स्ट है इसका रूल क्या है तो इसका रूल है आपका डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट क्रेडिट गोज आउट व्हाट्स गोज ठीक है डेबिट वार्ड्स कम इन जो आया उसको डेबिट करो और जो थिंग्स जाएगी उसको क्रेडिट करो लास्ट एंड फाइनल नॉमिनल अकाउंट और उसके बाद लाखों हो जाएगी थर्ड है नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट लिखो दीज आर इंक्लूड द अकाउंट ऑफ दीज आर इंक्लूड द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम इसके अंदर सारी जो एक्सपेंसेस और इनकम है बिजनेस की वो इंक्लूड की जा सकती है फॉर एग्जाम्पल जैसे रेंट सैलरी कमीशन एक्सेट्रा अभी रिसीव होती है तो इनकम और पे करते हो तो क्या हो जाएगा एक्सपेंसेस इसमें रूल्स क्या हो जाएगा इसका रूल होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन ये आपके गोल्डन रूल क्या हुए कंप्लीट गोल्डन रूल कितने हैं थ्री गोल्डन रूल्स हैं रियल नॉमिनल और किसका पर्सनल का इन तीनों रूल्स को कल सब लर्न करेंगे कल पूछेंगे और इन रूल्स को पूछने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो कल हम जनरल के फॉर्मेट को देखते हुए जनरल में स्टार्ट कर देंगे आज के इतने ओके स्टूडेंट बाय